सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ छोटी बट बहुत ही यूजफुल टिप्स कि कैसे आप अपनी वाटर बॉटल्स को, जिसमें आप पानी भरते हैं अपना पीने का, बच्चों की जो बॉटल होती है दूध की या फिर जो बॉटल्स में आप पानी भरते हैं, जो ड्रिंकेबल वाटर होता है जिसको आप डेली कंज्यूम करते हैं वाटर को, उन वाटर बॉटल्स को हम किस तरीके से साफ करते हैं। बहुत ज्यादा एसेंशियल है उन बॉटल्स को हमेशा क्लीन रखना, जिससे कि आप जर्म फ्री पानी पी सकें, आप कंटेमिनेटेड पानी ना पिए। एंड जैसा कि आपको पता है कि पानी की वजह से मैक्सिमम बीमारियां होती हैं, वाटरबॉर्न डिजीजेस बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं, स्पेशली छोटे बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ते हैं पानी की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही छोटी, बहुत ही इजी एंड सिंपल यूजफुल टिप्स हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और बहुत बेनिफिशियल रहेगी एंड आप अपनी किचन को भी हाइजीनिक तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक ग्रुप पर। मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक ये रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं कि हम कैसे अपनी बॉटल्स को साफ रख सकते हैं। मैं आज आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपने पानी पीने की बॉटल्स को साफ रख सकते हैं, जर्म फ्री रख सकते हैं और स्मेल फ्री रख सकते हैं। टिप नंबर वन, मैं एक बॉटल में थोड़ा सा पानी लूंगी, इसमें पानी डालूंगी बॉटल में, और कोई भी हम जो लिस्ट्रिन या माउथ फ्रेशनर यूज करते हैं वो इसमें दो छोटी चम्मच डाल दूंगी। माउथ फ्रेशनर डालने के बाद में इसको हम 10 सेकंड के लिए अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे। ये मैंने अच्छी तरीके से शेक कर लिया, आप ये देख सकते हैं कि झाग बन गए। और 5 से 7 मिनट के लिए हम बॉटल को साइड में रख देंगे और 5 से 7 मिनट के बाद में हम लिक्विड सोप से और पानी से इसको धो लेंगे। टिप नंबर टू, मैंने बॉटल ली, बॉटल के अंदर मैं गर्म पानी डालूंगी, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। इसके बाद में मैं 2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालूंगी और 2 छोटी चम्मच विनेगर, व्हाइट विनेगर डालूंगी, और ये बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ये आप देख सकते हैं कि पानी में इस तरीके से झाग बनने शुरू हो जाएगा। हम इसके बाद में इसकी कैप लगा देंगे और इसको अच्छी तरीके से ऐसे रिंस कर लेंगे, शेक कर लेंगे अच्छी तरीके से। शेक करने के बाद में बॉटल को 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे साइड में और फिर उसके बाद में इसको लिक्विड सोप और पानी से धो देंगे। टिप नंबर थ्री बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी है, जो कि हर घर में यूज होती है। ये मैंने खाली बॉटल ली, इसके अंदर मैं थोड़ा गर्म पानी डाल दूंगी, वार्म होना चाहिए, बॉटल पिघले भी नहीं, ऐसा पानी आप डालिएगा। और जिस भी लिक्विड सोप से हम अपने बर्तन धोते हैं हम उसको डाल देंगे। ये मैं थोड़ा, कोई भी आप लिक्विड सोप यूज कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा लिक्विड सोप डालूंगी। 3 से 4 ड्रॉप मैंने लिक्विड सोप डाल दिया। कैप बंद करके हम इसको भी अच्छी तरीके से शेक करेंगे। ये मैंने 10 सेकंड के लिए अच्छी तरीके से शेक कर लिया और आप ये देख सकते हैं कि पूरे झाग बन चुके हैं इसमें। इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए स्टिल रखने के लिए छोड़ देंगे एंड फिर उसके बाद में हम लिक्विड सोप और पानी से अच्छी तरीके से धो देंगे। टिप नंबर फोर, ये मैंने बॉटल ली, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला। आप नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हैं, गर्म पानी भी, थोड़ा सा वार्म वाटर भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ नॉर्मल वाटर लिया है। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 3 से 4 छोटी चम्मच चावल डालूंगी मैं, और 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर, व्हाइट विनेगर डाला मैंने। और फिर इसके बाद में हम इसका कैप लगा देंगे और इसको अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे। ये शेक करने के बाद में 5 से 7 मिनट हम इसको रख देंगे एंड फिर उसके बाद में लिक्विड सोप और वाटर से इसको धो देंगे। टिप नंबर फाइव, ये मैंने खाली बॉटल ली, इसमें मैंने पानी डाला और बॉटल के अंदर मैं 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाल दूंगी। ये मैंने बेकिंग सोडा डाला एंड मैं आधे नींबू को अच्छी तरीके से इसमें निचोड़ दूंगी और बाकी जो नींबू बचा हुआ है उसी में मैं डिप कर दूंगी। कैप लगाने के बाद मैं अच्छी तरीके से शेक कर दिया एंड 5 से 7 मिनट के बाद में इसको लिक्विड सोप और पानी से अच्छी तरीके से हम धो देंगे। एंड अब हम सारी बॉटल्स को अच्छी तरीके से धो लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पानी चलाएंगे एंड एक एक करके हम सारी बॉटल्स को धो लेंगे। पहले मैंने बॉटल का जो पानी था वो खाली कर दिया एंड अब इसके बाद में मैं हल्का सा इसमें सोप सॉल्यूशन डाल रही हूँ बॉटल के अंदर एंड इस तरीके से थोड़ा सा पानी लेकर इसका कैप बंद करके हल्का सा इसको रिंस कर दूंगी, हल्का सा शेक कर दूंगी एंड इसका जो बाकी बचा हुआ पानी है उसको मैं ड्रेन कर दूंगी। एंड अब एक स्कॉच ब्राइट में मैं थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन लूंगी एंड बॉटल्स को मैं अब अच्छी तरीके से धो लूंगी, बाहर से भी और अंदर से भी। इस तरीके से ये जो इसकी रिंग्स होती हैं इसको भी हमें क्लियर करना है, तो मैं इन सब बॉटल्स को अच्छी तरीके से धो लूंगी। एंड इसी तरीके से हम बॉटल्स के कैप को भी धो लेते हैं एंड एक ब्रश की हेल्प से ये जो बॉटल्स के जो कॉर्नर्स हैं, जो रिंग्स हैं, जो कॉर्नर्स हैं, हम उनको अच्छी तरीके से धो लेंगे, जिससे कि कोई भी गंदगी इसमें ना जमी रहे। मैं इस तरीके से इसको साफ कर लूंगी एंड ढक्कनों को भी हम ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। अब हम इन सारी बॉटल्स को अच्छी तरीके से मांझ लेंगे, अच्छी तरीके से पानी से धो देंगे
ये ध्यान रखिएगा सोते समय बिल्कुल भी झाग नहीं होना चाहिए, एकदम बॉटल क्लियर हो जानी चाहिए, वरना अगर उसमें सोप सॉल्यूशन रह जाएगा तो फिर वो डेंजरस भी हो सकता है, पानी के लिए कंटेमिनेटेड हो जाएगा वाटर। अच्छी तरीके से हम बॉटल को शेक कर लेंगे एंड सारा का सारा पानी गिरा देंगे एंड फिर उसके बाद में दोबारा से इसको धोएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी सारी की सारी बॉटल्स क्लीन हो चुकी हैं, बहुत साफ हो चुकी है एंड जर्म फ्री हो चुकी है। एंड अब आप पानी भर सकते हैं, जो कि पानी भी बहुत हेल्दी होगा पीने के लिए, बिकॉज आपको बॉटल्स को धोना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप गंदा पानी नहीं पिए, क्योंकि अगर हम बॉटल्स नहीं धोएंगे तो उसमें वाटरबॉर्न डिजीजेस होने के बहुत चांसेस होते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ब्रीड होता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप हमेशा अपनी बॉटल्स को धोएं अच्छी तरीके से उनको वॉश करें, हर हफ्ते वॉश करें सारी बॉटल्स को, फिर उसके बाद में उसमें पानी भरें। तो ये बहुत छोटी सिंपल एंड बहुत यूजफुल टिप्स थी एंड आप इन टिप्स को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।